राधे राधे सभी को। कल है ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगलवार, यानी कि 18 जून की अगर मैं बात करूं तो निर्जला एकादशी के साथ साथ बजरंग बली की भी पूजा कल के दिन बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। मैं आज बात करूंगी ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के बारे में। बड़ा मंगलवार कहा जाता है ज्येष्ठ महीने का मंगलवार को, क्योंकि इसी मंगलवार के समय ही हनुमान जी ने राम जी से मुलाकात की थी, इसीलिए हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। और लाइफ में अगर आपको पैसा चाहिए, सुकून चाहिए, बीमारियों से दूरी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाओं से अगर आप बचना चाहते हैं तो यकीन मानिए कल का दिन बहुत ही खास है। और इसको आपको किस तरह से, कौन से उपाय आप करेंगे कि ज्येष्ठ महीने का मंगलवार जो है वो आपके लिए खुशियों की बहार लेकर आएगा, ज़िंदगी में जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करूँगी कि क्या करने हैं खास उपाय निर्जला एकादशी के बारे में। तो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो को, उसके उपाय तो आप करेंगे ही करेंगे। पानी का डोनेशन, पानी का दान जरूर करिएगा कल, बिना पानी पिए। जी हाँ, निर्जल होकर ही आपको जल दान करना है, तो आप उसके बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन जो व्रत करेंगे उनके नियम अलग है, वो मैंने आखिरी वीडियो में बताया है, आप जरूर से जरूर जाके देखें। लेकिन आज मैं बात करूंगी ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन ऐसे कौन से खास उपाय हैं जो आपको करने ही चाहिए। और हनुमान जी, बजरंग बली जो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव हैं, मैं क्या ही बताऊं, मैं बहुत मानती हूं उनको, तो उनके आप अगर संरक्षण में चले आते हैं, वो अगर आपकी रक्षा करने में आ जाए तो ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको छू कर चली जाए, आपके घर पर हावी हो सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन से ऐसे खास उपाय जो आपको घर पर करने हैं और कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको मंदिर में जाके करने हैं। कल के दिन अगर आपके घर पर बजरंग बली है, तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, किसी भी तरह से कैलेंडर में कहीं पर भी हो, हनुमान जी को प्रणाम करिए। सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर एक मिट्टी के पात्र में आप उसे मिक्स करिए और उससे आपको अपने घर का साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा में कॉम्पस ऑन करके घर के मिड में खड़े होकर चेक करिए कहाँ है दक्षिण दिशा। वहाँ पर एक लाल रंग का स्वस्तिक बनाइए, जिंदगी में नेम, फेम, चीज़ें, उन्नति, ऊंचाई सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही सरल उपाय है और इससे आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। आज के दिन अगर आप सरसों का तेल का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करते हैं, अपने घर पर ही काले तिल लेकर बैठिए और वहाँ पर सरसों का तेल का दीपक, मिट्टी का दिया हो सकता है, आटे का दिया हो सकता है, आप जरूर से बनाइए या फिर मिट्टी का दिया खरीद कर लेकर आइए, प्रज्वलित करिए, रुई की बाती होगी, सरसों का तेल होगा, काले तिल साइड में लेकर बैठ जाइए, अपने नाम और गोत्र पढ़कर जो मनोकामना है उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए 7 बार, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ तो अवश्य ही करना है। गुड़हल के फूल की माला या लाल गुलाब की माला हनुमान जी को ज़रूर चढ़ानी है, प्रसाद में 2 लड्डू उनको ज़रूर चढ़ाएं, पचमेवा का भोग उनको ज़रूर लगाएं, गुड़ और चने का आप वितरण अगर कल के दिन कर सकते हैं तो यति उत्तम है, लोगों को खिला सकते हैं तो ये बहुत अच्छी है, खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। आप आज के दिन ज़रूर से ज़रूर हनुमान जी के मंदिर जाइए, जाकर ध्वजा लहराकर अगर आ जाते हैं तो यकीन मानिए ऐसी कोई क्षेत्र नहीं होगी जहां पर आपको सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, ज़रूर इस उपाय को करें। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर आप अगर जाते हैं, पूरा नारियल एक खरीदिए जो जटा वाला हो, जिसमें पानी हो, उसको लाल चुन्नी में लपेटिए और अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र कहकर हनुमान जी के चरणों में रखकर चले आइए, फिर देखिए वो आपकी रक्षा किस प्रकार करते हैं, वो आपके रक्षक किस तरह से बन जाते हैं। आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा है, आप परेशान हो चुके हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको इसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मीठा पान बनवाइए जिसमें आपको चूना नहीं डलवाना, बाकी सारे गुलकंद वगैरह सब डालेंगे, डालकर उसको ले जाकर पान का बीड़ा हनुमान जी को, बजरंग बली को अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं बोलकर उनको अर्पित करिए और वहीं रटकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए और नमन करके आप अपने घर वापस चले आए, फिर देखिए वो काम किस तरह से बनता है। लाल रंग का चोला उनको ज़रूर चढ़ाइए, लाल चुनरी उनको ज़रूर ओढ़ाइए, चाहे मंदिर में चाहे अपने घर पर, ऐसा करने से आपको कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, वो सदैव आपकी रक्षा करेंगे। और मैं बात करूंगी आज इस चीज़ के बारे में, अगर आपके घर में बहुत बीमारियां हैं, बहुत डिजीज़ है जो दूर ही नहीं हो रही है और इसके लिए आप पूरा परेशान हो चुके हैं, तो आज आपके खास उपाय ज़रूर करना है, आपको पीपल के पत्ते लेकर आना है। पीपल के पत्ते आप लाएंगे किस दिन, ट्यूसडे वाले दिन यानी कल के दिन ही आपको लेकर आना है, पीपल के 5 पत्ते जो गिरे हुए हों, आपको तोड़ना नहीं है, नीचे से उठाकर लेकर आना है, गंगा जल से लाके घर में धो लीजिए और उसको, आपको जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है उन बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज
घुमानी है, उसको स्पर्श कराना है, और जो देवता का मैं नाम बोलने जा रही हूँ उस देवता का नाम आपको लेना है जो कि है रथीमान। रथीमान जो है वो हनुमान जी के भाई हैं, उनका नाम लेकर हनुमान जी के सामने अपने घर पर ही वहाँ पे रहने दीजिए, एक गिलास पानी वहाँ पे रख दीजिए, दो लड्डू उनको चढ़ा दीजिए और मनोकामना करिए, उनको कामना करिए कि जिसकी भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनका हेल्थ में सुधार हो जाए, चीज़ें बेहतर हो, बीमारियाँ दूर रहे घर से, घर से परिवार से सारे लोगों की बीमारियाँ दूर हो जाए, सभी के सर से आप वही सेम पाँच पत्तों को घुमा भी सकते हैं, अपनी मनोकामना बोल भी सकते हैं। और उसके नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे के पहले जो पत्ते आपने रख दिए हैं बजरंगबली के पास, उन पत्तों को उठाइए और लेकर सीधा जाइए जहाँ से आपने उसको उठाया था, और उसी पीपल वृक्ष के सामने ले जाकर उनके नीचे में मिट्टी में रख कर चले आए, मात्र रख कर और बोल कर कि मेरी सारी परेशानियाँ मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, हनुमान जी की कृपा से हमारे घर के सारे सदस्य स्वस्थ हैं, सारी बीमारियाँ दूर हो चुकी हैं, मैं परेशानी से मुक्त हो चुका हूँ, बोलिए, बोलकर अपने घर चले आइए। इसके बाद आपको एक काम और करना है, अगर आपके घर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, बहुत नेगेटिविटी घर पर है, दो शम्मी के पत्ते लेना है, अपने घर के चारों जगहों पे हर जगह पर घुमाना है, आपके जितने भी रूम्स हैं, डाइनिंग हॉल है, किचन है, वॉशरूम को छोड़कर बैल्कनी, बरामदा, छत, कहीं पर भी सारे जगहों में घुमाइए उन दो पत्तों को। और आपको इस काम को करना है, अपने घर के सारे सदस्यों को टच कराइए, उनके अंदर से जितनी नकारात्मकता है वो सारी चली जाएगी। इसको ले जाकर मंगलवार वाले दिन ही, यानी कल के ही दिन ये काम आप सुबह करिए, शाम को करिए, दोपहर को करिए, जब भी करिए, लेकिन याद रखिए गुप्त तरीके से करना है, ना कोई टोके ना कोई बोले, ऐसे आपको करना है। और इसको ले जाकर अपने घर के नीचे बाहर, एकदम बाहर चले जाइए, आपका जो मेन गेट होगा, लोहा का गेट है और लकड़ी का गेट है या किसी भी चीज़ का है, वहाँ पर आपको गड्ढा करना है और उसको भगवान जो मुनि होते हैं हमारे, जिनका नाम है आस्तिक मुनि का नाम लीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, ये कहकर कि मेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर हो चुकी है, अब मेरे घर पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती, अब मेरे जिंदगी से सारी समस्याएँ दूर हो चुकी हैं, कोई भी विरोध करने वाला, कोई भी शत्रु मेरे घर पर प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा कह के दबा कर चले आइए। इसके अलावा आज के दिन जो भी बच्चे चंचल है, जो अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, उनके लिए खास उपाय ये है कि दो सुपारी लेनी है, उनको स्पर्श कराइए, उनसे आप चमेली का तेल का दिया प्रज्वलित कराइए हनुमान जी के सामने, दो लड्डू प्रसाद में चढ़ाइए, गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर पर बच्चों समेत सबको करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, उस जो चमेली का और तेल का और मैंने सिंदूर का जो लिक्विड बनाने के लिए बोला था, जिससे आपको स्वस्तिक बनाना था, उस लिक्विड का प्रयोग करेंगे, इसको पूरी तरह से सुपारी को लपेट देंगे और फिर उन दोनों सुपारी को ले जाकर किसी भी पीपल या वट वृक्ष के नीचे उस बच्चे का और उसके नाम गोत्र समेत नाम लेकर दोनों सुपारियों को आपको रख कर चले आना, दबा देना है उसकी मिट्टी में। ऐसा करने से बच्चा कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करेगा, पढ़ाई में मन बैठेगा उसका और उसकी पढ़ाई की जो इच्छा है वो खुद ब खुद जागेगी। ये जो उपाय मैंने बताए हैं इसे ज़रूर करिए कल के दिन, ऐसा करेंगे तो ज़िंदगी में सकारात्मकता मिलेगी, सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। और एक खास उपाय ये है कि अगर हनुमान जी को आप सच्चे मन से याद करते हैं, किसी को भी अगर कहीं कल बंदर दिख जाए, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर हो जाता है, बंदर दिख जाए तो उसको केला ज़रूर खिलाइए, आज के दिन गुड़ और चने का वितरण ज़रूर करें, निर्जला एकादशी है तो याद रखिए विष्णु जी की भी पूजा आपको करनी ही करनी चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने ही करने चाहिए, घर में गुलाब जल का पोछा ज़रूर लगवाइए, श्री यंत्र है तो उसको वापस से पंचामृत से धोकर स्थापित करें। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, आप चाहे मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं से भी देख रहे हो, मैं आप सबकी आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त चाहती हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।